सो वेलकम बैक गाइज, आ गया मेरे को न्यू वीडियो लेके। तो गाइज, जियो के काफ़ी सारे फ़ोन हमने इस चैनल पे रिव्यू किए थे, स्पेशली जियो भारत के, जियो भारत B1, K1, V2 और आज हमारे पास एक और जियो भारत सीरीज़ का फ़ोन है। तो ये वाला फ़ोन एक मैंने देखा था रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये भी एक बजट में है। 1799 रुपये का मैंने ये अमेजोन से परचेज़ किया है। तो इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कैसा है फ़ोन, कैसे काम कर रहा है, फीचर्स कैसे हैं। तो शुरुआत करेगा इसके बॉक्स से। तो बॉक्स पर हम देख सकते हैं जियो की ब्रांडिंग, जियो भारत J1 4G फ़ोन है ये। ऑफकोर्स जियो के सारे फ़ोन मिनिमम 4G सपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास फ़ोन के कुछ पिक्चर है। तो फ़ोन दिखने में काफ़ी सिमिलर लग रहा है पहले वाले वेरिएंट से। ना पीछे की साइड अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे कि जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो पे, जियो टीवी, जियो फोटोज एंड जियो चैट एंड ये सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ये है कि ये सिर्फ वाईफाई सपोर्ट नहीं करता है फ़ोन, तो जियो सिम से ही चलेगा। और बाकी एक और चीज़ चेक करेंगे कि क्या इसमें जियो फोन वाली सिम इसमें चलेगी नहीं चलेगी, जो हम जियो प्रीमा में अभी यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं HD वॉइस कॉलिंग, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग, 2.8 इंच के TFT डिस्प्ले इसके अंदर, 0.3 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है आपको इसके अंदर, वायरलेस FM रेडियो, 23 लैंग्वेज सपोर्ट, ये काफ़ी सही चीज़ है। और एक डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो है 2500 mAh की बैटरी, लाउड स्पीकर। तो बैटरी आपको इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी मिल रही है, 2500 mAh की बैटरी मिल रही है एंड यहाँ पर लिखा लाइसेंस बाय कॉलकॉम, तो 4G फोन है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हैं, जल्दी से करते हैं इस बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स के कंटेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है हमारा फ़ोन इटसेल्फ, जिसे थोड़ी देर में हम चेक करेंगे एंड देन यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं इसकी। तो एक मिल जाता है सिलिकन सा पाउच और ये रहा इसका चार्जर एंड देन आई थिंक इसमें मिलती है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। आई थिंक जियो ही एक ऐसा फ़ोन होगा जो आई थिंक सिलिकन सा पाउच अपने बॉक्स में देती है मे भी। तो ये रही हमारी इसकी बैटरी और बैटरी अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2500 mAh की बैटरी है एंड ये चीज़ आप चेक कर सकते हो, 2500 mAh बैटरी। तो चार्जर अगर हम देखें तो चार्जर हमारा वही जियो का पुराने वाला चार्जर है जो भारत सीरीज में मिल रहा है और ये एक माइक्रो USB चार्जर है जो आई थिंक 2.5 वाट का चार्जर है। तो ये जो माइक्रो USB का चार्जर है काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज करता है फ़ोन, इवन तो बैटरी 2500 mAh की है और 2.5 वाट का ये चार्जर है, तो काफ़ी टाइम लगाता है। टाइप सी मुझे लगता है इन्हें देना चाहिए था। अब नए फ़ोन भी, बजट फ़ोन भी, चाहे वो कीपैड फ़ोन भी हो, वो भी टाइप सी पोर्ट अब दे रहे हैं, तो ये भी टाइप सी होना चाहिए था। ये थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा इसके अंदर। नाउ अब चेक करते हैं हमारे इस फ़ोन को। तो ये है जियो भारत J1 जो कि जियो ने न्यूली लॉन्च किया है जियो भारत सीरीज में एंड यहाँ पर सबसे पहले चेक करें इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। तो बिल्ड क्वालिटी की, हालांकि ये प्लास्टिक की फोन है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी समहाउ मुझे ये बेटर लग रही है, स्पेशली इसका कीपैड वाला ये जो पोर्शन है। फ्लैट कीपैड है लेकिन कीपैड काफी अच्छा क्लिकी सा फील कर रहा है एंड ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चीप क्वालिटी का कीपैड है, तो कीपैड इसका बेटर लगा। और जो इसका मिडिल वाला बटन है ये भी मुझे थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है। साइड में हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस साइड भी कुछ भी नहीं है। ऊपर की साइड हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास टॉर्च, तो नीचे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक और ये है माइक। और जो स्क्रीन है यहाँ पर हमारे पास वो मिडल में 2.8 इंच की डिस्प्ले है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो बेजल्स हैं कॉर्नर्स में वो इतने ज़्यादा थिक नहीं है। जो मैंने देखा था कि काफ़ी सारे फ़ोन जो डिस्प्ले होते हैं उनके आसपास बेजल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जियो भारत सीरीज़ के, बट इसके जो बेजल्स हैं वो इतने मुझे थिक नहीं लग रहे। और यहाँ पर हमारे पास ईयरपीस। तो फ्रंट में आपको कोई भी कैमरा नहीं मिल रहा, पीछे की साइड में जो कैमरा मिल रहा है वो है 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा। और यहाँ पर जो इन्होंने ये रिंग वाला टेक्सचर दिया है जो कि सॉर्ट ऑफ मुझे एक रियलमी के कुछ फ़ोन्स की याद दिला रहा है, उसमें भी ऐसी कुछ रिंग होती है। और यहाँ पर हमारे पास जियो, तो कोई भी यहाँ पर वाईफाई, NFC ऐसा कुछ कोई भी मार्किंग नहीं है। तो एक बार इसको ओपन करके इसमें बैटरी इंस्टॉल करते हैं, फिर करते हैं इसको ऑन। तो ओपन के बाद यहाँ पर आपके पास एक सिम स्लॉट ये रहा और यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। तो सिंगल सिम ये फ़ोन है, डुअल सिम इसमें नहीं लगेगी और ये जियो के साथ ही लॉक है, कोई भी एयरटेल, वोडाफोन ये सब सिम इसमें नहीं चलने वाली। तो यहाँ पर मेरे पास ये जियो फोन प्रीमा है जिसे मैं यूज़ कर रहा था। इसके अंदर एक जियो फोन का प्लान भी हमने रिचार्ज किया था, ये वाली सिम ही इसमें हम यूज़ करेंगे। चेक करेंगे कि क्या ये जियो फोन का प्लान लेगा नहीं लेगा। तो एक बार इसको लगा देते हैं एंड अगेन बैटरी बड़ी है इसकी, जस्ट फॉर कंपेरिजन ये जियो प्रीमा की बैटरी। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये वाली जो बैटरी है वो है 1800 mAh, तो ऑलमोस्ट 700 mAh आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रही है। तभी ये फ़ोन थोड़ा सा लंबा है अगर आप कंपेयर करो इसको, तो जियो प्रीमा से ये फ़ोन थोड़ा सा लंबा है। आई थिंक वो इसलिए कि इस पर बैटरी बड़ी मिल रही है और इवन स्क्रीन साइज ऑलमोस्ट सेम है इसका। तो ऑन होने के बाद सबसे पहले आपको जो स्क्रीन मिलती है वो है जियो भारत। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो लैंग्वेजेस की है, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला और ये बाकी रीजनल लैंग्वेज है जो आप चेकआउट कर सकते हो। 23 लैंग्वेजेज टोटल ये सपोर्ट करता है एंड अभी इसे इंग्लिश में ही सेट कर देते हैं। और ऐसा कुछ ये है एंड अगैन TFT डिस्प्ले है, तो जो व्यूइंग एंगल है साइड से पूरे नेगेटिव वाले व्यूइंग एंगल आ रहे हैं, जो कि सेम मुझे इशू बाकी जियो भारत के फ़ोन में भी होता था। तो इसमें भी यही इशू है कि स्क्रीन इसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये हाईएस्ट स्क्रीन की इसकी ब्राइटनेस है। तो यहाँ पर ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, तो एक बार इसके फीचर्स हम चेक कर लेते हैं। तो मेन्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ये वाला बटन है और यहाँ पर आपके मेन्यू हो गया कॉल, लॉग, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो TV, जियो पे, जिससे आप यूपीआई भी यूज़ कर सकते हो। चेक करेंगे वो कि वो काम कर रहा नहीं कर रहा। बाकी इसके अंदर ये टूल्स, और टूल्स के अंदर आपको मिलता है इसमें कैलेंडर, कैलकुलेटर, टॉर्च, और यहाँ पर टॉर्च को एक्सेस करने के लिए या तो वहाँ से कर सकते हो, इधर यहाँ पर जीरो में टॉर्च का बटन बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम प्रेस करेंगे तो टॉर्च इसकी कुछ ऑन होगी। और टॉर्च की लाइट काफ़ी अच्छी, इंटेंसिटी मुझे अच्छी लगी इसकी। और टूल्स के बाद आपके पास यहाँ पर है मल्टीमीडिया, जिससे आप ऑफलाइन जो कि मेमोरी कार्ड में आपने स्टोर किया है म्यूज़िक या वीडियोज़, वो आप प्ले कर सकते हो। तो वॉइस रिकॉर्डर, म्यूज़िक प्लेयर, वीडियोज़, रेडियो एंड फोटोज़। और रेडियो इसमें हैंड्स फ्री है, इसमें आपको केबल लगाने की या फिर हेडफोन जैक लगाने की जरूरत नहीं है। एंड देन इसके अंदर है जियो फोटोज़, नोट्स, जियो चैट, क्लॉक, सेटिंग्स, एंड देन ये इंटरनेट जो कि ओपरा मिनी, अगेन बाबा आदम के ज़माने का ब्राउज़र आपको इसके अंदर मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्लो चलता है। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 20 साल पहले मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया था, ये वाला ब्राउज़र। नॉट श्योर क्यों है ये, इसमें कुछ अच्छा सा ब्राउज़र हो सकता था। एंड देन फिर यहाँ पर हमारा कैमरा और फाइल्स। और कैमरा अगर चेक करें तो 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है ये, और जो कैमरा है उसकी क्वालिटी, और क्वालिटी अगर आप देखोगे तो जैसा ये कैमरा है 0.3 मेगापिक्सल VGA कैमरा है, वैसी ही क्वालिटी आपको इसके अंदर मिल रही है। तो एज सच कोई इतना ज़्यादा इसका यूजेज नहीं होगा, शायद बस एक ही यूजेज मुझे दिख रहा है इसके अंदर, वो है स्कैन एंड पे। अगर जियो पे का यूपीआई काम करता है तो वहाँ पर आप ये स्कैन एंड पे यूज़ कर सकते हो। नाउ अब चेक करते हैं इसके बाकी फीचर्स की। यहाँ पर अगर और चेक करें तो मिडल बटन प्रेस करते हैं, आपके पास एक क्विक मेन्यू आता है, जैसे कि जियो टीवी, जियो सावन, जियो सिनेमा, जियो पे। तो जो मेन ऐप्स है वो यहाँ पर आ रही है। एंड इट्स गुड कि शॉर्टकट इन्होंने ऐसा दिया है। बाकी और भी शॉर्टकट्स है, जैसे कि नीचे का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर सेटिंग्स ऑन होगी, तो ऊपर का जो प्रेस करोगे तो जियो सावन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर राइट लेफ्ट करेंगे तो राइट पर हमारे पास कैमरा ओपन हो गया, और लेफ्ट में हमारे पास जियो सिनेमा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स है इसके अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर जियो फोन वाला प्लान की सिम यूज करी है, तो एक बार चेक करते हैं कि क्या इसमें कॉल आ रहा नहीं आ रहा, और क्या हम इससे कॉल कर सकते नहीं कर सकते। एक बार कॉल करते हैं इस नंबर पर। तो येस, कॉल इसमें आ रहा है, तो जियो फ़ोन वाला प्लान चल रहा है इसके अंदर, विच इज़ अगेन वेरी गुड। और एक बार अब चेक कर लेते हैं कि इससे क्या हम कॉल कर सकते नहीं कर सकते। तो कॉल भी हो रही है, तो जियो फ़ोन का जो प्लान है वो इसमें काम कर रहा है। एंड जियो फ़ोन का जो बिल्कुल ईयरली प्लान था वो मैंने इस सिम में रिचार्ज किया था, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये प्लान काम कर रहा है। नाउ इंटरनेट काम कर रहा नहीं कर रहा, डेटा काम नहीं कर रहा वो चेक कर लेते हैं। और बाकी जो जियो सावन, जियो टीवी, इसकी जो क्वालिटी आ रही है, क्या इसका फीडबैक है, क्या परफॉर्मेंस है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम जियो सावन। तो जैसा आपने देखा कि जियो सावन से आप इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, और म्यूज़िक का जो आउटपुट है अगेन डिसेंट है, इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, क्लैरिटी की कमी कहीं ना कहीं मुझे लगी। और बाकी जियो टीवी, जियो सिनेमा, हालांकि कंटेंट आप स्ट्रीम कर सकते हो, बट जो क्वालिटी है इसकी स्क्रीन के हिसाब से देखने लायक बहुत ही कम होता है ये। एंड अगेन एक और चीज़ की जो जियो सिनेमा या जियो टीवी का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है बाकी ऐप से, जो कि जियो भारत सीरीज में हमने चेक किया था। तो कॉन्टेंट स्ट्रीमिंग के हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत इतना अच्छा लगा नहीं। गुड टू हैव है, आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक QR कोड आ गया है, अभी इसको दोबारा हम चेक करते हैं, क्या ये QR कोड स्कैन होगा नहीं होगा, पेमेंट जाएगी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है और इमीडिएटली स्कैन नहीं हो रहा। आई थिंक मुझे फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी शायद, तो एक बार क्लिक करते हैं फ़ोटो, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद भी स्कैन नहीं हो रहा है। अब लोडिंग लिखा आना शुरू हुआ है, और देखते हैं क्या ये UPI ID की डिटेल निकाल देगा नहीं निकालेगा। तो काफ़ी देर लग रही है, जैसे आप चेक कर रहे हो कि QR कोड स्कैन करने के बाद अब जाके लिखाया कि QR कोड किसका है, नेम आ गया ऊपर। तो लेट्स से 10 रुपये हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट UPI ID लिखा आ चुकी है, एंटर 4 डिजिट पिन, जो कि मैं हटा देता हूँ। सबमिट, प्रोसेसिंग पेमेंट। तो यहाँ पर आई थिंक पेमेंट हो गई है, और इधर देखते हैं कि रिसीव हुई है नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है, पेड ₹10। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पेमेंट हो रही है। तो जैसा आपने देखा कि पेमेंट हमारी सक्सेस हो चुकी है। यहाँ पे आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हो कि पेमेंट किससे हुई, कौन सी ID से हुई। थोड़ा सा टाइम ज़रूर इसने लिया QR कोड स्कैन करने के बाद, लेकिन पेमेंट हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। और जियो पे स्कैन टू पे काम कर रहा है इसके अंदर। एंड यहाँ से हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो, फेच कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इस वाले फ़ोन को अगर आपको चाहिए कि अगर जियो पे UPI पेमेंट हो रही नहीं हो रही, तो ये काम कर रही है, नो डाउट ये अच्छे से काम कर रही है। नाउ बाकी फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, जो डिज़ाइन है इसका वो अच्छा लगा। बैटरी आपको बड़ी मिल रही है इसके अंदर। फीचर्स हालांकि कम है, वाईफाई नहीं है इसके अंदर, हॉटस्पॉट नहीं है, यूट्यूब भी इसके अंदर नहीं है और कुछ फीचर्स इसके मिसिंग हैं जो मुझे लगता है कि होते तो ज़्यादा बेटर होता। KaisOS नहीं है, ये नॉर्मल जो नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन होता है, फीचर फ़ोन होता है, वैसे ही लग रहा है। 4G फ़ोन है, उसके हिसाब से जो इसका प्राइस है 1799 थोड़ा ज़्यादा लगा, बिकॉज इससे थोड़े कम प्राइस में चाहे वो B1 हो या फिर K2 हो, K1 हो, बाकी जो जियो भारत सीरीज़ के जो फ़ोन है वो आप चेकआउट कर सकते हो। एनीवन जो ये वाला जियो फ़ोन है जियो प्रीमा, ये मुझे लगता है कि ज़रा बेटर है, हालांकि थोड़ा सा लैगी है लेकिन फीचर्स इसमें ज़्यादा हैं, ऑप्शंस इसमें ज़्यादा हैं, इसके अंदर वाईफाई भी इसके अंदर आपके पास है। तो ये मुझे लगता है कि स्मार्ट चॉइस ये वाले फ़ोन की है। ये वाला फ़ोन अगर आपको इन बाकी फीचर से फ़र्क नहीं पड़ता, वाईफाई, हॉटस्पॉट, व्हाट्सएप, तो ये वाला फ़ोन आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं बोल सकता हूँ कि ये अगेन जियो भारत सीरीज़ का ऐसा फ़ोन है जो शायद इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगा। फीचर्स की कमी है इसके अंदर, दिखने में अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बाकी आपको कैसा लगा फ़ोन मुझे कमेंट करके बता देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।